بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوه لا يستجاب لها امين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اج ان شاء الله تعالى हमारा ہے 8 और मॉड्यूल एट में हमने उस्मानिया खिलाफत को डिस्कस किया शुरू से और आखिर तक आज जो है वो उस्मानिया खिलाफत का लास्ट एरा है जो थोड़ी सी सिचुएशंस थी उसको डिस्कस करेंगे सऊदी ऑटोमन वॉर वा, सऊदी सा, सऊदी जो थे जो इब्ने सऊद थे उनकी फ़ौजों से और फिर ए, उस्मानिया खिलाफत की फ़ौजों में जो लड़ाई हुई फिर हम थोड़ा सा सलफी मूवमेंट पे डिस्कस करेंगे ये जिस तरह हमने लास्ट सेशन में आसिम जावेद ने जो है तसवुफ़ के ऊपर जिक्र किया था और हमारी जस्ट टू रिमांड एवरी वन कि हमारी सारी बातें इन शह फ्राम हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव होंगी हम किसी मूवमेंट को किसी दूसरे मूवमेंट पे के ऊपर जो है फोकियत नहीं देते बल्कि हम बस ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं उनको जो हिस्ट्री में जिस तरह से जिक्र है वो किया जाए ज़ाहिर सी बात है हिस्ट्री की हर किताब मैंने भी नहीं पढ़ी तो लेकिन कोशिश मैं ये करता हूँ कि दोनों साइड्स की किताबें पढ़ के और फिर आ, उसके अंदर से जो मवाद है वो लेके आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो इन शी इन तमाम चीज़ों में थोड़ा सा सब लोग हौसला रखिए थोड़ा सा दिल और दिमाग और सब चीजें खोल के इनशाला हमारी क्लासें अटेंड करें तो इनशा हम सब मिल सीखेंगे मैं भी आपके साथ सीख रहा हूँ तो अगर कोई आपको कि कोई कमेंट है या कोई सजेशन है या कोई चीज़ ऐड करनी है तो बिला तकल्लुफ आप लोग ऐड कर सकते हैं तो बहरहाल आज सऊदी ऑटोमन वॉर पे डिस्कशन होगा सलफी मूवमेंट कहाँ से शुरू हुई फिर वर्ल्ड वॉर वन के क्या पेश खैमा था फिर वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद क्या हुआ फिर मुसलमानों की जो कंडीशन थी स्मानिया खिलाफत के बाद पूरे दुनिया में उन उसको डिस्कस करेंगे फिर राइज ऑफ कमाल अता तुर्क कमाल अता तुर्क जो एक तुर्की आर्मी का फौजी था फिर किस तरह से उसने टेक ओवर किया और तुर्की को उसने आज़ाद करवाया मतलब सिर्फ तुर्की को कोईमानिया खिलाफत को ख़त्म करा के और फिर हम थोड़ा सा अपने अपने ख्याल का इजहार करेंगे इनशल मैं आप लोगों को भी मौका दूंगा कि तमाम चीज़ें सुनने के बाद और समझने के बाद आप लोगों का क्या ख्याल है कि आइंदा दुनिया में अब क्या होने वाला है क्योंकि हम तकरीबन बीसवीं सदी के करीब पहुँच चुके हैं बल्कि दाखिल हो चुके हैं अंदर आ, हम लोगों ने अलहमदिल्ला बहुत शुरू से शुरू किया था तकरीबन एक हज़ार दो सौ इक्यानवे इस्लामिक अम्पायर इतने सा, साल रही हैं और हमने सब कुछ डिस्कस करते हुए आप समझ लीजिए कि हम ऑटोमन अम्पायर के ऊपर पहुंच चुके हैं ऑटोमन अम्पायर पे जिसने तकरीबन छः सौ चौबीस साल हुकूमत की और हमने ख़िलाफमानिया को तकरीबन दस सेशन में पिछले नौ सेशन में और आज के सेशन में बहुत तफसील से एक एक सुल्तान एक एक खलीफा को जिक्र किया है और तमाम हालात को का जिक्र किया है कि किस तरह से मुसलमानों का काूज हुआ फिर किस तरह से उनका जवाल शुरू हुआ और अब हालात किस तरफ पहुँच गए हैं ये एक छोटा सा इलाक़ा था तुर्की का जहाँ से ओस्मान गाजी ने अपना समझिए किलम बुलंद किया और फिर वहां से ये पूरा ये आप इसको थोड़ा सा गौर से देखिए कि ये तुर्की का एक छोटा सा इलाका है बुरसा का इलाका था सोगत था और उसके बाद फिर ये पूरी दुनिया में कहाँ पहुंच गया मतलब पूरी दुनिया से मेडिटेरेनियन सी के तकरीबन इन्होंने चारों तरफ से उसके ऊपर इनका कब्जा हो गया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पूरे दुनिया में मुख्तलि जगहों पर इनकी एम्पायर पहुँच गई और ये मैप आप देख सकते हैं ईयर्स के एबार से सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन है अच्छा कोलाब्स का जो रीज़न था जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस भी किया था उसको ब्रीफली आप लोग ये देख लीजिए कि ब्रिटिश जो है उन्होंने बहुत से सिस्टम को क्योंकि एक चीज़ अपने जहन में रखिए कि ये जो दुनिया के हालात हैं ख़ास तौर से पिछले सौ दो सौ तीन सौ साल ये अब पैसे की लालच और पैसे की रगबत तो हमेशा से थी हर किसी में थी मुसलमानों में भी थी और यही यही रीज़न बना यूरोप का दूसरी जगहों पे कब्जा करने का और कॉलोनाइजेशन करने का कि उनको दौलत चाहिए थी दुनिया की लेकिन यह कि जो सिस्टम इस्लाम के बताए हुए सिस्टम्स थे उनकी वजह से एक ख़ास एक ख़ास समझिए कि इंसाफ का निज़ाम था जिसमें गरीब को भी मौका मिलता था अमीर और ग़रीब के अंदर वो फासले नहीं थे वो गैप्स नहीं थे जिसकी वजह से एक बहुत ही करप माशरा जन्म लेता है तो वो जो सिस्टम थे उनको ब्रिटिश ने सबसे पहले रिकग्नाइज़ किया कि इनको ख़त्म किए बग़ैर हम जो है इतनी दौलत नहीं कमा सकते और जो जागीरदार और ऑलरेडी दौलतमंद लोग हैं उनकी दौलत में मज़ीद इजाफा नहीं हो सकता तो उन्होंने सबसे पहले मुसलमानों के फाइनेंशियल सिस्टम पर अटैक किया और जो है अवकाफ का जो सिस्टम था जिसके अंदर जो है हर किसी को अपने अपने यानी कि समझ लीजिए कि एक सोशल सिस्टम था एक रिफॉर्म था जिसके लिहाज से गरीब और अमीर का तस्वुर ख़त्म होता है तो तो उन्होंने कैपिटलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को देखा और सिर्फ और सिर्फ पैसे की खातिर उन्होंने तमाम मुसलमानों के वो निज़ाम क्योंकि अब ज़ाहिर पता मुसलमानों की हुकूमत कमज़ोर हो चुकी है तो अब उनके जितने भी सिस्टम हैं वो नेचुरली वो उसको तबाह बर्बाद बहुत आसानी से कर सकते हैं और जितनी भी फ्री सर्विसेज थी मुफ्त जैसे गरीबों का इलाज था मेडिकल था हेंडी कैप्स के लिए सर्विसेज थी जितनी भी अच्छी और फलाहे आमा की चीजें थी उनको उन्होंने उसके अंदर इंश्योरेंस को इन्वॉल्व किया पैसा लगाया तो हर लिहाज से पैसे से सारी चीज़ें अटैच हो गई जिसकी वजह से फिर ये सारा सिस्टम चेंज हुआ अच्छा तो उन्होंने अवॉफ सिस्टम को दि, आ, बिल्कुल डिमोलिश किया और फिर पेड सर्विसेज उसकी जगह लगा दी और फिर दो बहुत से डिफरेंट एंगल्स थे जिनमें से फॉल ऑफ अवाफ था राइज ऑफ़ इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग थी पहले जो है वो गैर सूदी निज़ाम पे लोगों को लोन मिलते थे फिर वो ख़त्म हो गए अब जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के ऊपर मिलते थे तो जो गरीब थे वो गरीब से गरीब होते चले गए मॉडर्निस्ट फ़ फ़िक फिर इन्हीं लोगों ने और सब मुसलमानों ने जो कि सेकुलर माइंडेड थे उन लोगों ने अपने आप को सोचा कि यार ये तो जो निज़ाम है इसको हम ट्विस्ट कर किस तरह से कर सकें तो उन्होंने एक फिक नए कस्म के फिक निकालने शुरू किए जिसके अंदर जिसको आप कह लीजिए कि इस्लाम से उसकी कोई रूह निक, निकाल दें किसी चीज़ से तो खाली जिसम रह जाता है तो इसी तरह से उन्होंने फिक के सिस्टम को मॉडर्नाइज कर दिया फिर ये कि नेशनलिस्ट आइडेंटिटीज शुरू हो गई हमने देखा कि पूरी उस्मानिया खिलाफत जो है आखिर में आके जब तुर्क नेशनल्स खड़े हुए यंग टर्स की जो ऑर्गनाइजेशन थी जब वो बनी तो उसमें जो है ये नेशनलिस्ट आइडेंटिटी थी तो इस वजह से फिर मजीद पूरी दुनिया में तोड़ आता गया और ख़ास स्स्मानिया खिलाफत की जो बड़ी बड़ी समझिए गवर्नर्स थे पूरी दुनिया में उनको ख़त्म करके उनको कंट्रीज बना दिया गया और एक नेशनलिस्ट यानी के समझिए कि एक मुल्क पसंद जिस तरह से खिलाफत से मलूकियत आई और फिर मलूकियत में भी फिर इतने छोटे छोटे मुल्क बना दिए गए कि जिसको फिर जिसकी वजह से फिर हालात और ख़राब होते जाए चले गए फिर ये कि एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट्स आ गए अब इस्लाम को जिस तरह हजूर सलील वसम की हदीस है कि खैरमूर और है कि हर चीज़ में म्याा रवि इख्तियार करो लेकिन फिर मुसलमानों ही एक्सट्रीम ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए हर तरफ कोई एक चीज़ अगर थोड़ा सा डिविएट होती है तो उसके खिलाफ इतना ज़बरदस्त कस्म का समझे रिएक्शनरी फ़ोर्स बन जाती थी और ऑर्गेनाइजेशन बन जाती थी कि जिनकी वजह से इस्लाम को बहुत नुकसान पहुँचा जो और इस्लाम की जो असल तलीमत थी उससे लोग दूर होते चले गए और ये फिर हमने सऊदी अरब में देखा सऊदी इबन सऊद की शक्ल में कि थोड़ी सी चीजें एक्सट्रीम पे गई फिर ये कि तकरीबन हमें यह भी नहीं पता कि 300 साल तक सऊदी और ऑटोमन जो है वो आपस में लड़ते रहे ये बहुत से लोगों को अभी भी नहीं पता कि सिर्फ एक वॉर नहीं हुई थी बल्कि इनकी तकरीबन तीन साल से वॉर हो रही थी अच्छा अब लास्ट टाइम मेरे ख्याल में किसी ने जिक्र किया था कि आ, नजद और हिजाज के बारे में तो मैंने कहा आप लोगों आप लोगों का मैंने शो भी बता दिया था लेकिन ये कि थोड़ा सा देख लीजिए सऊदी अरब का नक्शा कि इसमें किस तरह से चीज़ें डिवाइड डिपारी ये तो सिर्फ आप समझ लीजिए सिटीज़ हैं ठीक है तो ये आपका मक्का मुकरमा मदीन मनवरा तबुक और तायफ़ और ये ये जो सारी पट्टी है रेड सी के भाई ये है आ, हिजाज बाकी ये जो रियाद का मेन इलाका है ये है नजद ठीक है ये ये देखिए ये हिजाज है ये जितना आपको रेड लाइन से नज़र आ रहा है तो ये रेड सी के बराबर बराबर और उसके जो पहाड़ी इलाक़े है और ये सारे हिजाज में आ जाते हैं फिर ये जो रियाद का इलाक़ा है ये नश्त कहलाता है और फिर सऊदी अरब के साउथ में ये यमन का इलाक़ा नीचे है फिर नॉर्थ में हमें पता है कि इराक़ शाम और फिर फलस्तीन और जॉर्डन और ये सारी चीज़ें हैं फिर हम परशियन गल्फ़ की तरफ देखते हैं तो फिर ये जो छोटी छोटी रियासतें कायम हो गई थी कोत और बहरेन और यूनाटेड अरब एमरेट्स और फिर ठीक है तो एक नक्शा ये और है इसको भी थोड़ा देख लें कि ये हिजाज है ये नजद है पूरा नॉर्थ से साउथ लेकिन ये खास तौर से ये इलाका जहाँ पे रियाद है जो उनका कैपिटल है अभी फिर ये रबू अल खाली है जिन लोगों को नहीं पता ये आ, ये एक सहरा है दुनिया का गलिबा सबसे बड़ा सहरा है जिसके अंदर किसी का ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है तो ये यमन के और सऊदी अरब के बॉर्डर के ऊपर है ये पूरा रबुल खाली है और ये अलसा है जे इलाका लेकिन जिसके अंदर फिर बहुत सी दूसरी ममलकतें बन गई हैं ठीक है तो ये अपने जहन में रखिए, ये एक और नक्शा है जितने नक्शे मुझे इंटरनेट पर मिल सके मैंने तलाश करके आप लोगों के सिर्फ देखने के लिए कि किस तरह से वहाँ पे हालात थे अच्छा ये जो हम आप हिस्ट्री का पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं ये ज़्यादातर लोगों की निगाहों से ओझल ओज, है हिडन है उसकी वजह क्या है क्योंकि हिस्ट्री बुक्स में ज़ाहिर सी बातें वही चीज़ें आती हैं जहाँ के जहाँ के लोग होते हैं रहने वाले ज़्यादातर वही उस जगह की तारीख पे कलम उठाते हैं तो जब उन्होंने कलम उठाया लेकिन अगर उनकी सोच और उनकी जो वो थी वो बायस थी तो फिर ज़ाहिर सी बात है फिर आपको सही हिस्ट्री सुनने को मिलती नहीं अब उसके ऊपर चूंकि जहाँ पे सख्तियां हों वहाँ पे फिर ऑथर्स को लिखने भी नहीं दिया जाता कोई अगर अच्छी किताबें लिखी गई तो वो बैन हो जाती हैं इसी तरह से हिस्ट्री की बहुत सी किताबें लिखी गई और तारीख बयान हुई लेकिन वो उसको वहां पे बैन कर दिया गया अगेन वी आर ओनली लुकिंग एट दीज इवेंट्स फ्राम प्योरली हिस्टोरिकल तो ये जहन में रखिए और इसके कुछ वजुहत थी आप तो बहुत से लोगों को तो 300 साल की जंग का ही नहीं पता था जो एक रिफ्ट चल रही थी ऑटोमन और साउदीज की और उसके बाद जो है हमें यह भी पता होना चाहिए कि दो दफा ये इबन सऊद की जो फौज थी इन्होंने मक् मुक्रमादी मनोवरा पर कब्जा कर लिया था उसके बाद दोबारा से ये जो पाशा होते थे तुर्की तुर्की हुकूमत के उन्होंने जब नए पाशा भेजे तो उन्होंने यहाँ पे पहली दफ़ा छुड़वाया दूसरी दफा छुड़वाया और फिर तीसरी दफा इन्होंने फाइनल टाइम जब फिर सऊदी अरब पे कब्जा कर लिया तो फिर ये जो तुर्की फॉजस थी या ऑटोमन अम्पायर की फॉज थी फिर ये वापस गई तो दो दफ़ा ये वाकत हो चुके थे और ये लास्ट तीसरा वाक़ा था अच्छा हमने शेख अब इबन अब्दुलवाहाब का जिक्र किया था थोड़ा सा तो हम उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं क्योंकि सारी चीजें कनेक्टेड है एक यंग स्कॉलर थे मोहम्मद इबन अब्दुलवाहाब ये इनको जो है इस्लामिक फिलोसफी का भी आइडिया था बहुत पढ़े लिखे इंसान थे कुरान हदीस इन सब चीज़ों को इनका बहुत अच्छा नज़रिया भी था और बहुत अच्छे लिहाज से इन्होंने उसको कवर किया हुआ था अच्छा नज तो जो था जिसका मैंने अभी आपको नक्शा दिखाया ये एक ट्राइबल सोसाइटी थी और यह ऑटोमन अम्पायर का हिस्सा तो था लेकिन यह कि चूंकि मक् मुकरमा मदीना मनोवर की अहमियत बहुत ज्यादा थी मुसलमानों में तो नज के इलाक़े को तकरीबन इग्नोर कर दिया जाता था तो मतलब वहाँ पे उस्मानी खिलाफत तो मौजूद थी लेकिन यह कि उसको बहुत ज़्यादा फोर्सेज वहाँ रखना या बहुत ज्यादा असलाहत का काम करना इसलिए नहीं था कि सारी फोकस जो है ज़्यादातर वो मक् मदीना पे होता था और उसमें फिर छोटे छोटे जिस तरह से हजूर सल्ला वसलम के ज़माने से और सहाबा के ज़माने से सारे जो कबीले चले आ रहे थे वो आज भी कबीले मौजूद हैं वहाँ यमन में सऊदी अरब में इजिप्ट में वो बहुत से लोग कबाइल के ही रेफरेंस से जीते हैं और अपना तारफ़ कराते हैं और क़ुरान शरीफ में भी अल्लाह ताला ने ये कहा है कि हमने इसलिए ये कबाइल बनाए ताकि एक दूसरे की पहचान हो सके तो तो ये छोटे छोटे कबाइल थे तो इन इन्हीं में से कबीले में मोहम्मद शेख अब्दिन मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब पैदा हुए और वो बेसिकली जो हम्बली फिख आपको याद होगा मैंने चार इमाम के बारे में डिस्कस किया था इमाम अबू हनीफा इमाम मालिक इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल तो इन चारों में से जो आखिरी इमाम थे इमाम हम्बल तो ये उनकी ए, उनकी समझे इनकी फैमिली जो थी वो इमाम हम्बल के पैरोकार थे तो उसी में इन्होंने ज़्यादा इनका जहन उसी में रहा और फिर आखिर तक हमने देखा कि इनकी जो सोच थी वो इमाम शेख अहमद बिन हम्बल से मुतवाजी थी तो उन्होंने मुख्तफ़ जगहों पर गाइड ट्रेवल किया और ख़ास तौर से सीरिया और मदीना ये मुसलमानों के दो गढ़ रहे हैं हमेशा से तो उन्होंने सब ट्रैवल किया फिर वो अपनी कम्युनिटी में वापस आए और फिर उन्होंने सबसे चीज़ जो बुरी देखी वो उस जमाने में वो बिदत थी बिदत कहते हैं इनोवेशंस को यानी इस्लाम में कोई ऐसी चीज़ शुरू कर दी जाए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा से साबित ना हो और एक नई चीज़ हो तो वो उस चीज़ को बिदत कहते हैं और हमें पता है कि बिदत जो है वो फितने से भी बड़ा है और फितना जो है वो कत्ल से भी बड़ा है तो यानी कि बिदत एक बहुत बड़ा गुना है जो आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान इंडिया और दूसरे एरियाज में खास तौर से लेकिन आम तौर पे पूरी दुनिया में बहुत सी बिदात शुरू हो गई हैं तो शेख मोहम्मद ने इन बिदात को खत्म करने के लिए अलम बुलंद किया झंडा बुलंद किया कि भाई इन बिदात को सोसाइटी से माशरे से खत्म किया जाए तभी हम सही इस्लाम की तरफ लौट सकते हैं अच्छा तो अब इसमें वाकई चूंकि उस्मानिया खिलाफत जो है वो वैसे तो प्योर आ, 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 सुन्नी मजहब पे थी लेकिन ये कि उसके अंदर बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने फिर गलू किया गुलू का मतलब होता है एग्जाजरेशन जिन्होंने अपने अपने दीन में गलू करके बाज बिदात शुरू कर दी थी इसी तरह से जैसे खास तौर से सऊदी अरब का जो अब जो सऊदी अरब का इलाका है उस जमाने में आ, अरेबियन पेनसुला जो था इसमें बहुत सी बिदात शुरू हो गई थी लोग जो हैं कब्रों को पेड़ों को पूजा करने लगे थे मतलब ये कि वो पूजा कुछ इस तरह करते थे जिस तरह से कुफार बुतों की पूजा करते थे कि जो है वो कहते थे नहीं अल्लाह तो एक है लेकिन यह कि ये हमारे बुत जरिया हैं

लोग हैं हिस्ट्री के लिखने वाले और इवन के पहले भी वो ये लिखते हैं कि ये थोड़ा सा चीजें एक्सट्रीम पे गई थी लेकिन अल्लाह ताला बेहतर जानता है हम इस चीज़ के ऊपर फैसला नहीं कर सकते तो भारत तो उन्होंने जो है जब इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज्यादा वो किया तो बहुत से लोग फिर नाराज भी हो गए अपसेट हो, दो हो गए दो साइडें बनना शुरू हो गई और फिर उन्होंने जो है छुप के उनको वहाँ से जाना पड़ा क्योंकि मेन एरिया के लोग बहुत नाराज़ हो गए थे और फिर जो है वो छुप के दूसरे एरियाज में अपना वहाँ पे यानी अपनी अपनी थॉट्स की और अपने जो मोटिव थे उनकी तशहर करते रहे वो अपना छुप छुप के लेकिन फिर उनकी मुलाकात हुई शेख मोहम्मद इबन सऊद से और ये एक कबीले के सरदार थे अब इनके साथ उन्होंने देखा कि इनके भी ख़्यालत कुछ मिलते हैं लेकिन सऊद मोहम्मद इबन सऊद के जो है उनको वहाँ पे कबीला था और वो अपने क़बीले के जिस तरह पुराने ज़माने में फ़ाइट करते थे और दूसरे क़बीलों के ऊपर कब्जा करके और अपनी पूरी हुकूमत बनाना चाहते थे उनका मेन मकसद ये था और शेख मोहम्मद इबन वहाब का मकसद भिदत को ख़त्म करना था और इनका कुछ ए, एक चीज़ और थी जो मैं अभी बयान करूँगा कि इश्तहाद भी वहाँ से ख़त्म होता जा रहा था तो मोहम्मद इबन सऊद वग़ैरह के जहन में ये था कि इश्तहाद को रिवाइव करना है तो बहरहाल तो इन लोगों ने मिल के फिर जो है उनके ऑटोमेंट के खिलाफ फाइट शुरू की 1744 में एक पैक्ट बना जिसमें मोहम्मद अबिन वहाब और मोहम्मद अबिन सऊद तो उन्होंने ये कहा कि हम एक नई स्टेट बनाएंगे और जो इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग उनकी है या जो वो समझते थे, थे कि सही इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर बनाएंगे और ये एक पोलिटिकल अलाइंस था ये कोई रिलीजियस अलायंस नहीं था क्योंकि अपने सऊद को हुकूमत चाहिए थी तो उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया कि और उन्होंने ये ये डिसाइड किया कि मोहम्मद इब्न सऊद जो हैं वो पॉलिटिकल लीडर होंगे इस पार्टी के या इस क्या कहते हैं इस इस, इस थॉट के और उनकी पूरी फैमिली जो है वो जो उनके बाद भी जो लोग आते रहेंगे तो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो मोहम्मद इबन सऊद के ख़ानदान में रहेगी और मोहम्मद अबन वहाब जो हैं वो एक रिलीजियस लीडर रहेंगे और इसी तरह से उनकी फैमिली में ये चीज़ चलती रहेगी तो एक ख़ास कस्म का पैक्ट हो गया दोनों में कि भाई पॉलिटिकल हालात तुम संभालो रिलीजियस हालात हम संभालेंगे और हम देखते हैं कि इससे पहले भी जब अब्बासी खिलाफत थी तो जब जब अब्बासी खिलाफत की मेन सीरिया और इराक़ वगैरह में ख़त्म हो गई ये लोग इजिप्ट चले गए थे तो वहाँ पे जब ममलूकस की हुकूमत थी तो वहाँ भी यही था के रिलीजस हालात जो हैं वो अब्बासी खिलाफत के अब्बासियों ने संभाले हुए थे और जो पोलिटिकल हालात थे वो ममलुस के थे लेकिन बहरहाल वो सारे उस में पपेट्स थे जो जो रिलीजियस लीडर्स थे वो पपेट्स बन गए थे पोलिटिकल के यहाँ पे थोड़ा सा मुख्तलिफ था लेकिन काइंड ऑफ सेम के इस लिहाज से दोनों ने अपनी अपनी जगहें संभाल ली थी और अगर आप देखें तो आज भी आज भी ये चीज एग्जिस्ट करती है सऊदी अरेबिया का जो रूल है

आ, वो हो गई हो गई कि भाई बादशाहत मोहम्मद अपने सऊद के पास रहेगी और उनके ख़ानदान में और मोहम्मद अपने वहाब के पास जो है वो वहाँ के जो ग्रैंड मुफ्ती होंगे या जो रिलीजियस लीडर्स होंगे वो ये होंगे तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लियर कर लीजिए क्योंकि आगे चल के हमें इसकी बहुत सी रिफ्लेक्शंस जो हैं वो आज के दौर में भी नजर आएंगे अच्छा अः बहुत से लोग जो दूसरी साइड के थे जो यानी कि उनको आप सूफी थॉट्स के कह लीजिए या जो आ, जिनके खिलाफ इन्होंने अलम बुलंद किया था वो लोग इसको कहते थे ये एक शैतानी एक्सट्रीमिस्ट ऑटोमन uh, अम्पायर को ख़त्म करने के लिए इनके अंदर uh, ब्रिटिश से और दूसरी जगहों से सपोर्ट थी इन लोगों को पैसा आता था और फिर हमने देखा कि वाकई सऊदी हुकूमत के पास ने तो फिर शुरू से uh, ब्रिटिश के साथ ही मिलकर इन्होंने फिर हुकूमत कायम की और आज तक जो इनकी मेन uh, सपोर्ट होती है वो वहीं से होती है क्योंकि सऊदी अरब के जो एग्जिस्टेंस है वो बेसिकली उन्हीं का मरहून मन्नत है तो बहरहाल तो ये अब दो एक्सट्रीम uh, जो है समझें वो बनना शुरू हो गए तो कुछ लोग सोचते थे ये शैतानी जज्बाती और एक्सट्रीम पे जाने वाली चीज़ें हैं कुछ लोग सोचते थे ये लोग हीरोज़ हैं जिन्होंने इस्लाम को रिवाइव किया है और शिरक और बिदत को ख़त्म किया है तो अब ये दोनों तरफ हम आज इस चीज़ के ऊपर फैसला इसलिए नहीं कर सकते कि अल्लाह आलम उस ज़माने में हालात क्या थे मैं शेख इबन अब्दुलवाहाब के बारे में बहुत तफस से एक किताब है अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो सैद सलमान नदवी साहब की उन्होंने बहुत पुरानी किताब है तारीख़ दावत तो अजीमत उसके तकरीबन सात जल्द हैं तो उसकी जो दूसरी जल्द है वो तो खैर शेख तैमिया के ऊपर है लेकिन शेख पे और बहुत से लोगों पर उनका जिक्र है तो हम जब भी किसी के बारे में राय कायम का, करना चाहें तो हमें चाहिए कि हम उनकी तफसील से पूरी हस्ट्री पढ़ लें इसीलिए हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम बाज़ अडें ले, ले लेते हैं और हमें असल हस्ट्री चीज़ों की नहीं पता होती तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड तो मैं इन डायरेक्ट उस किताब के रेफरेंस भी दे दूँगा बहरहाल अब इन्होंने जो नई मूवमेंट बनी थी इन्होंने तकफीर की यानी काफिर कहना शुरू किया ऑटोमन्स को और उन्होंने करीब के कबाइल को मिलाया और इनके ऊपर हमले करवाए और उनको कहा ये काफिर हैं अगर काफिर हैं तो इस इनके ख़िलाफ़ जिहाद जो है वो हलाल है तो अब जिहाद हलाल है तो लोगों ने तलवारें ली और इसका करना शुरू कर दिया अब्दुलवाहाब ने क्लेम किया कि ये जो भिदत हैं ये शिर के लेवल तक पहुँच चुकी हैं उनका ब्लड हलाल है और जहाद अगेंस्ट उसमानीज जो है ऑटोमन जो है वो अब हम पे जरूरी हो गया सो उन्होंने लड़ाई शुरू की तो कुछ सिटीज़ पे कब्जा किया और फिर मुकरमा मदीना मनोवरा को कब्जा करने की कोशिश की और उस जमाने में भी मुकरमा मदीना मनवरा पर जो है हैली राज था। और लेकिन यह कि वो सुमान, खिलाफत के अंडर थी एटीन ओ थ्री में वहाब अब सऊद दोनों का इंतकाल हो चुका था तो सऊदियों ने फिर आ, मक्के मुकरा जो है कॉन्कर किया और फिर तीन तीन साल के बाद मदीना मुनवरा पे भी कब्जा कर लिया ये पहला कब्जा है और फिर उन्होंने बहुत ही हार्शली इसके ऊपर हुकूमत की यानी कि बहुत से कवानी नाफिस किए और और बहुत ही यानी एक कुछ लोगों के जहन में के की है कि बहुत ही एक्सट्रीम रिलीजन की की इम्प्लीमेंटेशन थी बाज लोग कहते हैं कि प्योर इस्लामिक तरीक़े से थी लेकिन बाहर हाल तो वहाँ पे जो है बहुत ही सख्ती के लिहाज से हुकूमत की गई और अगेन अल्लाह बेहतर जानता है कि वो इस्लाम के टोटल नफाज के लिए थी या उसमें दूसरी पोलिटिकल अजय शामिल थे और रेजिस्टेंस इसलिए थी वो थे कि हज और उम्र पे जो है एक जमाने में कहा जाता है कि उस्मानी लोगों ने हज और उम्र जो है इन दूसरे लोगों के लिए मना कर दिया था कि ये लोग आके और फितना फैलाते हैं यानी ये लोग फितना करते हैं और जो सूफी था के लोग हैं उनके अंदर आ, उनको उनको तकलीफें पहुँचाते हैं और फिर बहरहाल यानी कि हजर उम्र में चूंकि एक मौका होता है जब आप आके तकरीरें कर सकते हैं तमाम दुनिया के मुसलमान जमा होते हैं तो उनके दरमियान अगर आप कोई फितना क्रिएट करें तो वो फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं आ, और तो फिर नष्ट के ऊपर इनका इतना ज्यादा चूंकि वो नहीं था तो वहां पे आराम से ये चीजें चलना शुरू हो गए 1818 में एक ऑटोमन उट, उट, गवर्नर था इजिप्ट का जिसको लगाया था मोहम्मद अली पाशा इसका तारीख में बहुत ज्यादा जिक्र आता है और ये बाद में ऑटोमन एंपायर के खिलाफ भी हो गए थे तो इस वजह से इनका थोड़ा सा ज़हन में नाम रखिए मोहम्मद अली पाशा ने जो है ये लैंड्स का यानी कि इनको जब भेजा गया तो इन्होंने आके लैंड्स कॉन्कर कर लें और दोबारा से ऑटोमन अंपायर के अंडर आ गए फिर हम देखेंगे कि बाद में इजिप्ट की तरफ भी गए ये तकरीबन छह साल तक ये सारी चीजें चली और छ साल के बाद आ, आ, जो साल के छ साल के बाद जो है जो यहाँ से निकाले गए थे Uh, उन्होंने जो है दोबारा से नश् को रिक्लेम कर लिया और फिर सऊदी स्टेट डिक्लेयर कर दी ये दूसरी सऊदी स्टेट डिक्लेयर हुई है दूसरी दफा 1834 में जो है ये कायम हो गई और तकरीबन 1891 तक फिर चली और फिर इसके बाद फिर उस्मानी खिलाफत ने दोबारा से इनको इनकोजा कर लिया था तो ये सारी चीजें तकरीबन तीन साल तक चलती रही अच्छा अब एक सवाल पैदा होता है यहाँ पे के वाई वी डोंट नो मच अबाउट द टू अर्लियर सऊदी स्टेट्स इतना ज़्यादा हम लोगों को या तारीख़ में क्यों नहीं मिलता ये चीज़ें बहुत कम लोगों को पता है तो क्योंकि क्योंकि आज भी आल सऊद की हुकूमत है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जो उन्होंने जिस तरह से अपने आप को पोर्ट्रेट किया अपने ख़ानदान को तो उन्होंने ऐजा किया और कोई भी होता जिसकी अपनी हुकूमत होती वो ऐसे ही करता तो इस वजह से उन्होंने जो सलफी मूवमेंट जिसको भी अभी हम जिक्र करेंगे कहाँ से शुरू हुआ शेख अब्दुल वहाब के की चीज़ें ही उसमें शामिल थी लेकिन उसके अंदर फिर कुछ जदीद जदीद चीज़ें शामिल हुई तो वो उनको जो हीरोज ऑफ इस्लाम कहते थे और वो दूसरे चीजों में जो है बेसिकली आप समझिए कि Uh, मैं इसको पढ़ देता the history to keep the controversy away. तो उन्होंने बहरहाल ये पार्ट हिस्ट्री का वाइट वॉश कर दिया कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो और हमारे खिलाफ लोग ना खड़े हों तो इस वजह से हम तक बहुत सी चीजें नहीं पहुँच सकें अच्छा सऊदीज हिजाज और नज जो है इनके ब्रिटिश ने इनसे वादा किया था कि अगर तुम तो मुस्मानिया खिलाफत के ख़िलाफ़ लड़ोगे और इनको यहाँ से बाहर निकालोगे क्योंकि अब तक यूरोप जाग चुका है बहुत अच्छे तरीके से और उनको अंदाज़ा हो गया है कि अगर इस्लामी हुकूमत क़ायम हुई और वहाँ के जो जवाब सिस्टम और सारे फाइनेंशियल सिस्टम इम्प्लीमेंट हुए तो फिर हम तो कुछ भी नहीं इन, इन लैंड से हम कुछ फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते उनको तो दौलत चाहिए थी तो उन्होंने फिर हिजाज और नजद ने जो सऊदी कबाइल थे उनको उकसाना शुरू किया और उनसे वादा किया कि हम ये लैंड तुम्हें दे देंगे अगर तुम उस्मानिया खिलाफत के खिलाफ लड़ो और इनको यहाँ से बाहर निकाल दो फिर वर्ल्ड वॉर के बाद हमने देखा कि हिजाज और नश्स के जो एरियाज थे ये इनको ब्रिटिश ने क्योंकि उन्हीं की कॉलोनाइजेशन थी उस वक्त उन्होंने सऊदी फैमिली को गिफ्ट कर दी थी और इस बात पर गिफ्ट की थी कि उन्होंने ऑटोमन अम्पायर को यहाँ से निकाल दिया था तो ब्रिटिश ने जो है हिजाज नज सऊदी फैमिली और फिर जो अब सऊदी अरब बन गया फिर हमने कहा था 1934 में तकरीबन सऊदी स्टेट की जो है डिक्लेयर हो गई थी जो गिफ्टेड पार्ट पैलेस्टाइन को हाशिमाइट फैमिली को दे दिया गया था जो कि फिर बाद में जॉर्डन बन गया क्योंकि वहाँ पे हाशमी लोगों की के ज्यादा लोग थे तो वो फिर जॉर्डन इसी वजह से कट के काट के बनाया गया क्योंकि वो पहले शाम फलस्तीन जॉर्डन लेबनान ये सब चीज़ें एक ही थी लेकिन उसको फिर तोड़ तोड़ के इन्होंने सोचा कि किसी तरह से चीजें की जाए और ब्रिटिश ने जो है वो बेसिकली फलस्तीन का एरिया हाशमी हाशमी लोगों से भी वादा किया था और जाइनस से भी जो कि यहूदियों का एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1906 में इन दोनों से वादा किया हुआ वा था तो ब्रिटिश भी थोड़ा डिलेमा में आ गए थे कि अब हम दोनों से वादा किया था दोनों से हमें फायदे उठाने थे अब फायदे उठा लिए हैं तो हम किसको दें फलस्तीन तो फिर उसका हम देखते हैं कि इन्होंने पहले जॉर्डन बना के हाशमाइश को खामोश करने की कोशिश की लेकिन जो मुसलमान फलस्तीन के थे वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने और तभी से फिर समझ लीजिए बाद में यहूदी हुकूमत कायम हो गई वहां पे 1948 में बाकायदा डिक्लेयर हो गई और फिर आज तक जो है ये आपस में इनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं अच्छा अब हमें ये नहीं पता कि मतलब इन पूरे हालात में के, के कौन उस वक्त सही था कौन गलत था बादल जो मुसलमानों के ए, ए, क्लियर कट अजायम थे वो सबको पता था कि अल्लाह का दिन कायम करना है दुनिया में लेकिन बाकी ठीक है तो तो अब हमें जैसे मैंने कहा कि बाज ऑटोम तो बिदा में शामिल थे और एक्सट्रीम पे गए भी हुए थे और इब्ने वहाब ने जो है इस चीज को खत्म करने के लिए थोड़ा सा दूसरा से एक्सट्रीम व्यू ले लिया था तो अगेन मैं जिस तरह से मैं पर्सनली देखता हूँ कि चीजों को अगर हम एक म्याा रवि से के रखें और किसी भी एक्सट्रीम पे ना जाएं यानी दीन में भी अगर आप इबादत में भी एक्सट्रीम पे चले गए तो वो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं होती आप मामला में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चले गए बहुत ही अच्छी नहीं होती तो हर चीज़ को एक म्याा रवि के सेहत से रखना चाहिए लेकिन बिलीव एवरी थिंग टू द जजमेंट ऑफ अल्ला सब तमाम अच्छा जी सऊदी अलायंस विद ब्रिटिश कैन नॉट बी जस्टिफाइड यह हमें पता है जाहिर सी बात है हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि एक यूरोपी हुकूमत जो कि जिसके अंदर दुनिया की तमाम बुराइयां मौजूद थी जिसने मुसलमानों का कत्लेआम कराया हुआ है हिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं उसके बावजूद अगर सऊदीज ने अलायंस किया उनके साथ तो वो सिर्फ उनकी मलूकियत के लिए था खिलाफत के लिए या इस्लाम के निज़ाम के लिए तो नहीं था तो और हमें आज भी पता है कि आज भी वहाँ पे जो बेसिकली अगर हम ये कहें कि वो एक पपेट हुकूमत है पूरे सौ सालों के लिए तो ये गलत नहीं होगा लेकिन अगेन अल्लाह ताला को बेहतर पता है कि क्या चीज़ें चल रही हैं अच्छा अच्छा अब इनमें एक और चीज़ इम्पोर्टेंट थी कि उस वक्त जो है उस वक्त आर्मी में सऊदी आर्मी में एक लोग थे वो अपने आप को अखवान कहलाते थे।, थे इसको आप अखवान मूवमेंट से कंपेयर नहीं करेंान मूवमेंट एक अलग था जो है वो तो फिर इजिप्ट में बना था एक अलग मूवमेंट है लेकिन ये जो ये जो फौज में लोग थे खास इनके अपने आप को अखवान कहते थे और अल्लाह के बहुत करीब थे और दीन के लिए जिहाद करते थे तो इन इन्होंने भी साथ दिया सऊद का और वो लॉयल भी थी इनकी और वो चाहते थे कि एक, एक हुकूमत अरब हुकूमत क़ायम हो खिलाफत कायम हो यानी कि मुल्क ने खिलाफत क़ायम हो दोबारा से तो उसके लिए वो सपोर्ट कर रहे थे लेकिन सऊदियों की चूँकि पॉलिटिकल रीजनस थे तो इन्होंने उसको उस रिलीजस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना नहीं लिया तो बाद में यही लोग जो जो अखवान कहलाते थे, थे उन्होंने रिबल किया सऊदी फोर्स के ख़िलाफ़ और फिर तारीख में हमें मिलता है कि जो है वो और ए, ओवर नाइट उनके तमाम अखबान के सिपाहियों को कत्ल करा दिया गया था और फिर जो मोर ट्रेडिशनल आर्मी होती है उस लिहाज से उनको वो ये लोग तो सारे समझे जहाद करने वाले लोग थे लेकिन अब मोर ट्रेडिशनल आर्मी जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है अपने जो सेक्युलर अजाएम होते हैं उनको फुलफ़िल करती है तो उस लिहाज से उनको रिप्लेस करा दिया गया था और ये भी तारीख में हमें चीज़ें नहीं मिलती सऊदी अरब जो है वो एक्चुअली नाइनटीन में फॉर्म हो गया था और 1927 में अखवान रिवॉल्ट हुआ उसके बाद जब वो सारे ख़त्म कर दिए गए सऊदीज उस वक्त बहुत ग़रीब थे जाहिर सी बात है उनके पास कोई ऑयल वगैरह तो उस वक्त निकला नहीं था तो ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल से वो लोग अपना गुजारा करते थे फिर फाइनली 1932 में ऑफिशियली सऊदी अरब को रिकगनाइज़ किया गया और इवन दो के वो हुकूमत तो कर रहे थे 1922 से लेकिन इनको ऑफिशियली यानी आप समझिए कि पूरी दुनिया में इनको रिकगनाइज किया गया कि अब ये सऊदी अरेबियन हुकूमत क़ायम हो चुकी है 1933 1938 में एक अमेरिकन कंपनी वहाँ थी उसने ऑयल डिस्कवर किया दहरान में और उसके बाद फिर एक वक्त आया कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी मुल्क जो है वो सऊदी अरब बन चुका था लेकिन चूंकि अमेरिकन की थी हमेशा से आज भी अमेरिकन के हाथ में है तो उनके पर इस कस्म की वो होती है कि आप कितने बैरल निकाल सकते हैं कितने नहीं निकाल सकते किसको बेच सकते हैं किसको नहीं बेच सकते थे फिर यही चीजें जो तो उनके ऊपर था लेकिन बाद में जब शाह फैसल की हुकूमत आई एक सऊदी बादशाह था बहुत ही आ, समझिए कि इंसाफ पसंद और जस्ट था तो उसने फिर ये ऑयल को उसने कहा कि ये हमारी ताकत है इसको दूसरे लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसने अमेरिका के लिए तो ऑयल बंद कर दिया था जिसके बाद फिर उसको कत्ल करा दिया गया हम देखते हैं बहरहाल वो भी तारीख का एक हिस्सा है कभी मौका मिला तो उसको भी डिस्कस करेंगे इन तो वो बहुत सऊदी हुकूमत बहुत पॉपुलर हो गई बहुत अमीर हो गई पूरी दुनिया की फिर उसने यू you नो know, पैसे के लिहाज से जो है एक हुकूमत शुरू कर दी और बाकी चीज़ें फिर हमको सबको पता ही हैं अच्छा अब हम थोड़ा सा सलफी मूवमेंट पे डिस्कस कर लेते हैं अगेन फ्रॉम वेरी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मोहम्मद इब्ने वहाब तो वो बेसिकली अकीद के लिहाज से उनका जो प्योर अक़ायद को दुरुस्त करने के लिए और बिदात के ख़ात्मे के लिए उनकी एफर्ट्स थी ठीक है तो शेख अब्दु अब्दु शेख इबन अब्दुलवाहाब की तो ये मूवमेंट थी और इन्होंने फ़िक के ऊपर इतना फोकस नहीं किया था उन्होंने अकीदे पे फोकस किया था और वो भी जो के हम्बली फ़िख से डिराइव था उसी को फॉलो करते थे लेकिन अकीदे के ऊपर फोकस था अब जो है एक और मूवमेंट थी जो इश्हाद की रिवाइविंग इश्हाद थी इजिप्ट में अब हमें हदीस से पता चलता है कि इश्हाद की बहुत बड़ी अहमियत है और इमाम अबू हनीफा और तमाम जितने इम कराम है, उनके लिहाज से इश्हाद की एक अपनी अहमियत है तो जब इश्हाद ख़त्म हो रहा है तो इसका मतलब इस्लाम से उसका एक मेन फैक्टर जो है अलग किया जा रहा है तो वहां पे एक शुरू हो गई थी इश्हाद को रिवाइव करने के लिए और बल्कि ये भी कहा जाता है स्ट्रीम में कि एक वक्त आया था क्योंकि बहुत ज्यादा फितने फसाद हो रहे थे कि उस्मानी खिलाफत के अंदर को कोगल कर दिया गया था ताकि जो चीज़ें ऑलरेडी से कायम हैं उन्हीं को चूंकि हुकूमत मौजूद है तो उनकी अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू था पॉइंट ऑफ व्यू था बहर तो अब ये दो फोर्सेज हैं एक तरफ बिदात को ख़त्म करने के लिए अकीदे के लिहाज से और दूसरी तरफ इश्तेद को रिवाइव करने के लिए ये दो एफर्ट्स शामिल हो गए एक दूसरे के साथ तो तो उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई क्योंकि गवर्नमेंट तो अभी आसमानी खिलाफत की वो लोग इन चीज़ों को अलाउ नहीं करते तो उनके एक सीक्रेट सोसाइटी बना के उन्होंने अंदर ही अंदर चीज़ों को फैलाना शुरू किया तो सीरिया शाम में मिस्र में और दूसरी जगहों में उन्होंने ये चीज़ को बाकायदा प्रोमोट करना शुरू किया और अगर उनको पकड़ लिया जाता था तो फिर उनको क़ैद हो जाती थी तो वो ये जो मूवमेंट्स बनी फिर ये सलफ़ी मूवमेंट्स कहलाएं जो आज के दौर में इनको सलफी कहा जाता है आप और ये समझें कि ये जो सलफी मूवमेंट थी इसको आप शेख मोहम्मद अब्दू थे 1849 से 1905 और उनके एक शागिर थे राशिद रिदा इनकी भी बहुत बड़ी कहानी है इनकी भी जिंदगियां बहुत ही दीनदार और अल्लाह वाले लोग थे आ, आलिम थे और चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक और पॉइंट ऑफ व्यू लेते थे और उन्होंने रास्ते से हट चुके हैं तो हमें भी रिवाइव करना है और अपने असलाफ के दीन के ऊपर अपने असलाफ के तरीकों के ऊपर वापस आना है सिर्फ यही तरीका है जिसके थ्रू हम इस्लाम पे रह सकते हैं लेकिन बहरहाल अब देखें क्या हुआ अब ये तो ये लोग थे अब इनको हम अगेन आलम इनके अज़ाइम क्या थे इनके लेकिन इनकी आप हिस्ट्री पढ़ें तो ये लोग बहुत नेक और इस्लाम पसंद लोग थे तो तकरीबन सौ साल पहले से जो है और ये जो टर्म जो है ये ये लोग यूज़ कर रहे थे सलफी कभी नहीं बोलते थे कभी बोलते थे शेख मोहम्मद अब्दू की तहरीक के नाम से चीज़ें मशहूर हुई इस तरह चलता रहा तो फिर क्या हुआ जब खिलाफत ख़त्म हुई और कोई खलीफा दुनिया में मौजूद नहीं रहा वर्ल्ड वॉर वन के बाद तो ए, एक पूरा क्या था इस्लामिक उसमें कि जब हमारा कोई लीडर ही नहीं रहा अचानक से जो है एक पूरा 600 सौ सात सौ बल्कि क्या समझे हजूर वसल्लम के खिलाफत के बाद से कोई ना कोई तो पूरी दुनिया में मुसलमानों का खलीफा रहा है और ये पहला वक्त था कि अब खिलाफत खत्म हो गई तो अब मुसलमानों के लिए अपने लीडर को मानना चुनना आ, सोचना ये सब बहुत ही मुश्किल हो चुका था तो फिर इस लिहाज से इजिप्ट में ये सलफी मूवमेंट ने एकदम से ज़ोर पकड़ा क्योंकि अब दूसरी कोई इस्लामी हुकूमत तो है नहीं तो इन लोगों ने अपने अकायद को बहुत तेजी से प्रमोट करना शुरू किया और सऊदी अरब ने इसको बहुत अगेन आप देख लीजिए कि हम्बली बली के जो मानने वाले लोग थे शेख वहाब भी हमबली फिखे के मानने वाले थे और फिर सऊदी अरब में भी इन लोगों का जोर जोरा था तो जो अकीदे के लिहाज से शहर फाइट थी वो बेसिकली आ, आ, अकीदे के लिहाज से बिदा के खिलाफ थी लेकिन अब ये दो फ़ोर्सेस हम देखेंगे कि आपस में मिल जाएंगी सो सऊदी और लमाज स्कॉलर्स ने मदीना मनवरा और दूसरी यूनिवर्सिटीज में यही चीज़ सिखानी शुरू की तो अब इसको प्योर हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव से देखिए कि जिस चीज का के उनके पास पावर है उन्होंने उसको दीनी लिहाज से भी इन्फोर्स करना आप लोग लिखें हम उस तरह के टीचर्स प्रोवाइड करेंगे लेकिन उन्होंने स्कॉलर्स और टीचर्स वही प्रोवाइड किए जो उनके अपने स्कूल ऑफ थॉट के थे और फिर बहुत से जो स्कॉलर्स इनके पास तो इतने थे नहीं तो उन्होंने इजिप्ट से इम्पोर्ट करना शुरू किया तो इजिप्ट में गवर्नमेंट जो आ गई अब सेकुलर माइंडेड गवर्नमेंट थी तो उसने उसनेलमसिमिन और सलफी मूवमेंट दोनों को ख़त्म करने की कोशिश की तो अब वहां से लोग माइग्रेट करना शुरू हो गए वो ज्यादातर कहाँ आ गए सऊदी अरब आ गए क्योंकि सऊदी अरब में इन चीज़ों को प्रमोट किया जाता था और फिर यहाँ आके वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ मदीना यूनिवर्सिटी और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में टीचर लग गए अब ये तमाम उसी स्कूल ऑफ थाट के लोग हैं जिनको वहां से निकाला गया तो इस वजह से सऊदी अरब में जो डोमिनेंट आपको फ़िक नजर आती है वो इन्हीं लोगों के फ़िक नजर आती है और फिर वही सलाफी असर जो है वो बहुत ज्यादा है तो ये है इसकी हिस्ट्री जिसको हम सबको समझने की जरूरत है ताकि हमें पता हो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये चीज़ें कहाँ से शुरू हुई कैसे आगे बढ़ी और किसने प्रमोट किया राधा दहन के हम लोग आंखें बंद करके किसी चीज़ को फॉलो करें और फिर उसको उसकी हकीकत जानने की कोशिश ना करें इखमान मुसलिमिन जिसको ब्रदरहुड भी कहा जाता है फिर ये भी इजिप्ट में शुरू हुआ और एक हसन बन्ना थे एक इमाम थे एक एक टीचर थे और इमाम थे तो ये भी अगेन बहुत ही दीनदार बहुत ही रिलीजियस अल्लाह वाले आदमी थे और इन्होंने एक तो इस्लाम को रिवाइव करने के लिए फिर इन्होंने जो है वो आ, मुस्लिम ब्रदरहुड शुरू किया यानि अखबानमसलिमिन जिसको फिर हम देखते हैं कि अभी जो मोर्सी की हुकूमत थी इजिप्ट में जिनको बाद में जेल में डाल दिया गया और उनका इंतकाल हो गया और वो जब इलेक्शन के जरिए जीत कर आए थे वो भी अखबानमसलम के आदमी थे तो ये सारी एफर्ट्स ये सारी तहरीकें पूरी दुनिया के लिहाज से ख़ास तौर से इजिप्ट में सऊदी अरब में यहाँ पे ये उठ रही हैं जो इस्लाम को रिवाइव करने के लिए उठ रही हैं यानी इनका मकसद जो नजर आता है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को रिवाइव करना है क्योंकि इस्लाम में बहुत ज्यादा गलत चीजें ऐड ऐड हो चुकी हैं ठीक है थीके? अब सऊदी अरब में दो ग्रुप हैं एक सलफी जो हैं वो इजिप्ट के जो लोग मूवों के आ गए थे वो सलफी थे वो आर ट्राइंग टू रिवाइव इन लोगों का जो मेन वो था वो के ऊपर जोर था और वो चाहते थे कि लोग कुरान और सुन्ना पे वापस आ जाएं फिर शेख अब्दुल वहाब के जो इनका जोर था अकीदे को करेक्ट करने का कि बेदात से बिदात को ख़त्म कर दिया जाए तो इन ये दो ग्रुप्स थे लेकिन इनकी आधी आधी चीजें एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलती थी तो तकरीबन बीस तेईस साल में ये एक ग्रुप बन गया तो अब जब ये एक ग्रुप बन गया तो जो लोग सऊदी अरब यूनिवर्सिटी से पढ़ के बाहर निकलते हैं और वो शेख अब्दुल वहाब के अकीदे को जो है वो सपोर्ट करते हैं और वो चाहते थे कि इत्याद भी रिवाइव हो तो इस तरह से ये इसको फिर ये सलफी मूवमेंट या सलफी स्कूल ऑफ है वहाँ से शुरू हो गया तो अब आपको इसकी हिस्ट्री पता चल गई ताकि अब हम चूंकि हमने लास्ट टाइम तसवुफ़ का जिक्र किया था जिसके खिलाफ सलफी मूवमेंट खड़ी हुई थी या आशीखलवाहाब का फिर हमने देखा कि इन तमाम की तारीखें क्या हैं यानी इन लोगों की हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव क्या है अच्छा इजिप्ट में जो है इस्तेहाद को रिवाइव कर रहे थे तो और जो है बिदत को ख़त्म कर रहे थे तो अब ये फाइनली जब एक ग्रुप बन गए तो अब इनके अंदर स्ट्रेंथ भी बढ़ गई इनकी पूरी दुनिया में फिर इनके लोग जहाँ जहाँ माइग्रेट करके गए उन्होंने उस लिहाज से इस चीज़ को फैलाना शुरू किया अच्छा जब सऊदी अरब के पास ऑयल आ गया और वो बहुत अमीर हो गए तो फिर उन्होंने बहुत सी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को फंड करना शुरू किया और उन्होंने बाकायदा लोगों को इसी स्कूल ऑफ थॉट के तहत यूनिवर्सिटीज़ कायम की और फिर उन्होंने लोगों को स्कॉलरशिप्स दी कि पूरी दुनिया से इंडिया पाकिस्तान और पूरी दुनिया से लोग आए और यहाँ पे पढ़ें मदीना यूनिवर्सिटी में और दूसरी जगहों पे लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें पढ़ाई जाती थी वो प्योरली उनके अकायद के लिहाज से थी या उनके उनके स्कूल ऑफ थाट के लिहाज से थी तो, तो अब बहुत से जो लड़ाइयाँ हुई और अगेंस्ट सलफ़ी के अगेंस्ट भी लोग खड़े हो गए सबसे पहले सूफिज्म के खिलाफ ये सलफीज खड़े हुए अब सलफ़ी के खिलाफ लोग खड़े हुए क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये एक एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू है और इसके ये इस्लाम का सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है इसका तो हिस्ट्री तो अगर आप देखें तो जो सलफीज की हिस्ट्री है वो सऊदी ऑटोमन से लिंक्ड है ये चीज़ें वहीं से शुरू हुई और फिर आज तक ये हैं अच्छा मदीना यूनिवर्सिटी में हम्बली फिक पढ़ाया जाता था पहले जो बाहर से लोग पढ़ने आए तो कुछ बड़े बड़े जो उलमा ही थे उन्होंने मजीद पढ़ाई की कोशिश की अरबी सीखने के लिए आए तो उन लोगों ने एतराज़ किया कि ये ख़ाली यहाँ पे हम्बली फिक क्यों पढ़ाया जाता है हम तो मतलब दूसरे चीज़ें भी पढ़ना चाहते हैं और फिर वो चाहते थे कि बाकायदा हम्बली फिक को सलफी फिक सलफी को भी अब ये लोग एक फिक समझने लगे थे तो उन्होंने कहा कि अब इसको इसके इस स्कूल ऑफ के तहत पढ़ाया जाए तो उन्होंने जब उसको पढ़ाना शुरू किया तो फिर जाहिर सी बात है फिर वो जो लोग बाहर से आते थे वो अपने यहाँ से पढ़ के फिर अपने अपने मुल्कों में अपनी जगहों पर जाके उन्होंने इसी चीज़ को प्रमोट किया और इस तरह से ये चीज़ फिर बाकी दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पर फैल गई बहुत कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है लेकिन हमें चाहिए कि हम, कम अज कम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव देखते हुए इस हिस्ट्री के लिहाज से देखें कि ये चीज़ें क्या थी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ जा रही हैं और फिर अल्लाह तला ने हमें और उस चीज को फॉलो करें लेकिन चीज़ों में इन्वॉल्व हों हमें बैक टू बेसिक्स जाना है जब हजूर सल्लाह का जमाना था तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम था दीन था साहबा कराम के जमाने में कोई चीज़ नहीं थी ना शियाम ना सुन्नी ना ना जो है आपकी पाकिस्तान के लिहाज से बरेलवी देवबंदी जितने ग्रुप्स बने हैं अगर आप इन सब को थोड़ा सा बैक ट्रैक करें रिवर्स गियर लगाएं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने और सहाबा के राशिदीन के ज़माने तक अपने आप को महदूद कर लें फिलहाल अपने दीन को और अपने दिमाग को हर चीज़ को स्ट्रेट फॉरवर्ड करने के लिए तो आपको कोई फिरके नहीं मिलेंगे आपको सिर्फ ये मिलेगा कि कुरान और हदीस हदीस भी कौन सी सियात सत्ता और तौर से सही बुखारी सही मुस्लिम तो अगर हम अपने आप को इन चीज़ों से अटैच कर लेंगे तो इन शाह हमारी जो बाकी सारी लड़ाइयां हैं उसके बाद से मलुकियत के शुरू होने के बाद से उसमें हम पढ़ के फिर दूसरों पे कुफ्र के फतवे लगा देते हैं दूसरों से लड़ाई झगड़े कर लेते हैं कुफर के फतवे लगा के उनको उनके लिए अपना खून उनका खून हलाल कर लेते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक लिहाज से तारीख में हमें इस्लाम को डैमेज करने के लिए बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग uh, अंदाज से हमें मिलती हैं तो अगर हम अल्लाह के दिन पे चलना चाहते हैं तो वी अच्छा वर्ल्ड वॉर जो है थोड़ा सा टाइम आज ज्यादा होगा तो इफ इफ इट्स ओके विद ऑल ऑफ यू आज वैसे वैसे भी बहुत ज्यादा लोग नहीं आए लेकिन इंशाल्लाह जितने भी आप लोग हैं अगर थोड़ा सा वेट करें क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है तो वर्ल्ड वॉर शुरू हुई अब वर्ल्ड वॉर में थोड़ा सा बिल्कुल हम फोकस हटा रहे हैं एलाइड फोर्सेज आई एलाइड फोर्सेज में कौन कौन थे ये ये सेंट्रल फोर्सेज के खिलाफ थी वर्ल्ड वॉर शुरू जो हुई वो हमें सबको पता है कि किस तरह से शुरू हुई ऑस्ट्रिया हंगरी में एक शहजादे को कत्ल किया गया उसके रिबेलियन में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया सर्बिया पे और इस तरह से जंग शुरू हुई जर्मनी ने उनका साथ दिया फिर रशिया ने दूसरों का साथ दिया इस तरह से सब इन्वॉल्व होते होते 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर हुई और ये ऑटोमन डिक्लाइन ऑलरेडी शुरू हो चुका था और इसके फौरन बाद हम देखेंगे कि 1922 में जो है ऑटोमन एंपायर खत्म कर दी गई तो अब वर्ल्ड वॉर जो हो रही है उसमें ऑटोमन एंपायर कायम है सिंबॉलिकली सही लेकिन कायम है और पूरी दुनिया को इस वर्ल्ड वॉर ने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया एक तरफ जो सेंट्रल पावर्स जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी बल्गारिया और, थे। और दूसरी साइड पर इटली रोमानिया जापान यूनाइटेड स्टेट दूसरी साइड पर और इनके साथ तकरीबन तीस तीस ममालिकीस जगह थी जिन्होंने एलाइड फोर्सेस का साथ दिया था और एक चीज और जहन में रखिए कि यकीन आगे जिक्र होगा लेकिन अब एलाइड फोर्सेस उस वक्त तक uh, कॉलोनाइज uh, हो गई हैं बहुत से दुनिया की uh, जगह और uh, समझे एम्पीरियल है कॉलोनाइजेशन है तो उसकी वजह से वहाँ के जो इवन मुसलमान मुल्कों के रहने वाले लोग थे उनको जबरिया तौर पे एलाइड फोर्सेस में शामिल किया जा रहा था जिसमें आप समझ ली इंडिया भी शामिल है और इसमें इजिप्ट शामिल है और पूरा नॉर्थ अफ्रीका के फोर्सेस हैं जो कि बादल नाख्वास्त इस जंग में गई थी ओस्मानिया खिलाफत के खिलाफ क्योंकि उनके ऊपर कब्जा था इन लोगों का यूरोप का ठीक है तो ये चीज़ जहन में रखिए कि इतने ज्यादा मुसलमानों ने जो हिस्सा लिया वर्ल्ड वॉर में उसकी मेन वजूहत क्या थी अच्छा अब जो है इंडियन और सिख आर्मी जो थी उन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया अब इंडियन और सिख जो है वो तो मुसलमानों के खिलाफ हैं जाहिर सी बात है मुगल अंपायर का खात्मा हो चुका है और ये लोग लो जो है, है मुसलमानों के खिलाफ है तो इन्होंने तो पूरे मुसलमानों के खिलाफ वर्ल्ड वार में हिस्सा लिया नेचुरली तकरीबन हंड्रेड थाउजेंड इंडियन आर्मी सोल्जर जो है उन्होंने खिलाफत के खिलाफ जंग लड़ी। अच्छा इसी जमाने में जो वेटिकन इटली में जो जो पोप थे पोप बेनेडिक्ट फिफ्टीन उन्होंने वर्ल्ड वॉर के खिलाफ बात की और उन्होंने कहा कि अमन के साथ रहें लेकिन उनकी बहरल किसी ने सु, कोई सुनी नहीं गई चर्च ऑफ इंग्लैंड जो थी उन्होंने बेसिकली वॉर को सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि ये उनके लिए एक जिहाद है तो अब उनको एक फाइट करना है मुसलमानों के खिलाफ ऑटोमन अम्पायर के खिलाफ और ये जो जर्मनी के खिलाफ ताकि जो है ये पूरे लोग यूनाइटेड हो गए तो उन्होंने जब चर्च ने यह ऐलान कर दिया और अपने जो रिलीजियस माइंडेड लोग थे उनके अंदर भी ये जज्बा जगा दिया तो अब उन लोगों ने भी एलाइड फोर्सेस का साथ दिया और उस्मानिया खिलाफत के खिलाफ खड़े हो गए शुरू में तो उस्मान खिलाफत इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ लेकिन फिर जर्मनी की तरफ से प्रेशर था क्योंकि वो उनके इलाज से पहले इससे पहले हमने जितनी जंगें देखी जर्मनी और फ्रांस और रशिया जिस तरह से मुहिदे हुए ऑटोमन अम्पायर के फिर खत्म हुए तो बहरहाल उनकी तरफ से जब बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा तो फिर उन्होंने ऑटोमन अम्पायर ने सबसे पहले ब्लैक सी में रशियन फोर्सेस की नेवी पे हमला किया जिसकी वजह से फिर रशिया ने बहुत जम के फिर ऑटोमन अम्पायर के खिलाफ हमला किया तो इस तरह से ऑटोमन अम्पायर भी शामिल हो गया वर्ल्ड वॉर में तकरीबन 2.5 मिलियन मुस्लिम सोल्जर्स ने जो है एलाइट फोर्सेज का साथ दिया इनमें से ज्यादातर नॉर्थ अफ्रीकन थे और ये यही जो कॉलोनाइज्ड एंड प्रेशर्ड बाय ब्रिटिश एंड फ्रेंच ये एक टर्निंग पॉइंट था मुसलमानों के एग्जिस्टेंस का इन यूरोप अब चूंकि ये तमाम मुसलमानों ने जो हेल्प की थी तो अब ब्रिटिश ने क्या किया दे फेल्ट कि हम इन मुसलमानों को अपने मुल्कों में आने दें और उनको वहां सेटल कराएं अब जो इन जो इनफ्लक्स हुआ है वहां पे मुसलमानों का वो बेसिकली इन ही मुसलमानों का जिन्होंने एलाइड फोर्सेस की मदद की थी और इनको वहां पे जाके आ, मुस्लिम मुसलिम यानी कब्रिस्तान बनाने दिए मुसलमानों के लिहाज से फाइनेंसिंग में हेल्प की और मस्जिदें बनाई गई और इस्लामिक सेंटर्स बनाए गए तो ये वो दौर है जब समझे इंग्लैंड में मुसलमानों का बहुत ज्यादा रेला गया और उन लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया तो एक तरफ तो मुसलमानों के खिलाफ उस्मानिया खिलाफत के खिलाफ लड़वाया मुसलमानों को फिर उन मुसलमानों को रिवॉर्ड करने के लिए उनको वहां बुला लिया गया और इसी तरह से फिर आप देख लीजिए जो मतलब अगेन वी हम इस चीज की बातें नहीं करते लेकिन पूरी दुनिया में खास तौर से इंग्लैंड और अमेरिका में और पूरे यूरोप में उन मुसलमानों को नवाजा जाता है जो लोग मुसलमानों के खिलाफ कहीं ना कहीं खड़े होके मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते हैं अब अफगानिस्तान का एक सिलसिला देख लीजिए कि आज भी अफगानिस्तान का इतना तेजी से महाजरीन आ रहे हैं लेकिन ये वो महाजरीन है जिन्होंने इस पूरे 20 साल की जंग में अः अफगानियों के खिलाफ लड़ा अल्लाह आलम भारत तारीख का एक हिस्सा है हम तारीख लिहाज से जिक्र कर रहे हैं हम किसी की साइड नहीं ले रहे तो इस वजह से सबको इनशाला हौसले के साथ ये चीजें सुननी है अच्छा जी वर्ल्ड वॉर वन फोर्सेस जो है ये सब हम नक्शे के लिहाज आपने देखा तीस मुल्कों ने इसमें शामिल हुए ये हमने बात कर ली है एलाइट पावर जो है 1914 सौ चौदह में सारे शुरू हुए सर्बिया रशिया फ्रांस बेल्जियम ग्रेट ब्रिटेन ये सारे मुल्क शामिल हुए फिर 1915 में इटली शामिल हुआ 16 में पोर्चुगल एंड रोमानिया शामिल हुए 1917 में जाके फिर अमेरिका शामिल हुआ क्यूबा पनामा ग्रीस सियाम जो उस जमाने में सियाम कहलाता था आज थाईलैंड है लाइबेरिया चाइना ब्राज़ील 1918 यानी आखिरी साल में जाके फिर गाटोमाला करागोआ कोस्टरिका हेथी और हंडुरस भी शामिल हो गए सेंट्रल पावर्स में में 1914 ऑस्ट्रिया-हंगरी, में ब्रिटिश और, और फ्रांस अच्छा, ने जब ये वर्ल्ड वॉर के खा, खात्मे पे तो इन्होंने ब्रिटेन फ्रांस ग्रीस और रशिया के दरमियान इन्होंने समझे जिसको हम उर्दू में कहते हैं बंदर बाट की कि अब हम कौन कौन सी टेरिटोरी कौन कौन ले जाएगा और फिर ऑटोमन एम्पायर ऑफिशियली एंड हो गई 1922 में जब सुल्तान वाज़ द टाइटल ऑफ सुल्तान वाज़ एलिमिनेटेड यानी कि उसको खत्म कर दिया गया ऑफिशियलीस्मानिया सु, खिलाफत खत्म हो गई अब और फिर हम जिक्र देखेंगे कि कमाल अता तुर्क ने जो तुर्की फौज में था फिर उसको एक रिपब्लिक बना लिया एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से उसको एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना के और दुनिया से ये ट्रीटी कर ली कि अच्छा अब हम नहीं लड़ेंगे और खिलाफत को हमने तुम्हारी मदद की ख़त्म करने में तो अब हमें ये इलाका दे दो जो तुर्की का आज इलाका है और उसके बदले में फिर बहुत सी ट्रीटीज़ हुई लूसान ट्रीटी और ये सारी ट्रीटीज़ हुई जिसकी वजह से तुर्की को बहुत ज़्यादा नुकसान हुए उसका हमने थोड़ा सा जिक्र पिछली दफ़ा भी किया था आगे भी करेंगे। और हमने अब देखते हैं फिर एक थोड़ा से देखें तो जो खिलाफत का खात्मा शुरू हुआ वो बेसिकली हाशमाइट्स थे हाशमी खानदान वाले और सऊदी थे जिन्होंने उस्मानिया खिलाफत की मुखालफत की और चूंकि ब्रिटिश ने मुसलमानों के खिलाफ जिन लोगों से वादे किए हुए थे पावर को तो उन्होंने फिर बाकायदा बाका, इसका इसका इजहार भी किया और फिर कुछ मुमालिक जो है मुसलमानों को वापस किए लेकिन उसकी जो शरात थी हम लोग ये ओवरऑल देख लेते हैं कि अच्छा ब्रिटिश ने ये मुल्क वापस कर दिया सऊदियों को ये मुल्क वापस कर दिया फ़लाँ को लेकिन ये कि उसकी जो उन्होंने शरायत लगाई हैं वो अगर आप पढ़ें तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि ये इस इन शरात पर कैसे इन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हम मुसलमान हुकूमत को चलाएंगे भारत अब वर्ल्ड वॉर के बाद जो है जब उन्होंने ये दे, देखा कि अब लैंड को कैसे डिवाइड किया जाए न्यूली कॉन्कर्ड लैंड को तो उन्होंने छोटे छोटे ममालिक बनाने शुरू किए ऑटोमन अम्पायर में और फिर अपनी पपेट गवर्नमेंट्स को दे दिए वो सारे यानी कि जो जो एग्री कर रहा था कि हम तुम्हारे पपेट रहेंगे उन लोगों को मुल्कों की के अतदार दे दिए लैंड ऑफ पैलेस्टाइन जो है उन्होंने दो तीन ग्रुप से वादा किया हुआ वा था तो अब उसमें वो परेशान हुए जाइनस ने जो है उन्होंने वेपन्स और पैसा इनको दिया था ब्रिटिश को वर्ल्ड वार के दरमियान उनको बचे बहुत ज़्यादा उनके हालात ख़राब हो गए थे जर्मनी ने बहुत तेज़ी से अटैक करना शुरू कर दिए थे तो उस वक्त पे जाइनस जो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी जिन्होंने अपने यहूदी बैंक्स बना लिए थे और बहुत ही फाइनेंशियली पावरफुल लोग थे तो उन्होंने फिर आ, फलस्तीन के एक्सचेंज में उन्होंने ये चीज़ें उनको प्रोवाइड की थी सीरिया जो है वो छोटे छोटे मुल्कों में बट गया था जैसा हमने तो जिक्र किया लेबनान सीरिया जॉर्डन और पैलेस्टाइन पहले ये पूरा सीरिया एक हुआ करता था हजूल के जमाने में खुलाफा के जमाने में इसको पूरा शाम ही बोलते थे जिसके अंदर ये सारे शामिल थे मिडल ईस्ट के जो बॉर्डर्स थे वो ये जो है वो इन्होने ड्रॉ किए इन लोगों ने बैठ के और फिर अब ये बात थोड़ी डिटेल है आप लोग इसे स्लाइड्स में पढ़ लीजिएगा वक्त चूंकि हो गया है तो हम देखेंगे कि फिर बैल फॉर डेक्लेशन हुआ ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था बाकायदा उसकी कॉपी जो है वो इंटरनेट पे पड़ी हुई है आप लोग सिर्फ बैल फॉर डेक्लेन टाइप करें गूगल पे तो आपको पूरा उसकी उसकी कॉपी मिल जाएगी और ये एक पब्लिक स्टेटमेंट था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नाइनटीन में वर्ल्ड वॉर के दौरान ही उसने अः जूश लैंड जूश के जो फलस्तीन में लोग थे उनके लिए एक अलग लैंड का उसने ऑथराइजेशन बयादा दे दी थी एक पब्लिक अनाउंसमेंट करके फिर फलस्तान जो है वो एक इंटरनेशनल जोन जो है डिक्लेयर हो गया था वाज डिक्लेयर्ड एन इंटरनेशनल जोन विदाउट अ क्लियर गवर्नमेंट अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पता है जब वो ये बड़ी बड़ी फोर्सेस जा रही हैं अगर वो चीज़ों को क्लियर करके नहीं जा रही तो इसमें तो लड़ाइया रहेंगी और आज तक ये लड़ाइयाँ मौजूद हैं हम देखते हैं जायनिस्ट जो हैं उन्होंने फिर अपने लोगों को और यहूदियों को पैसा दे के में दोबारा से पॉपुलेट करना शुरू किया उनके लिए घर बनवाए उनको बाकायदा ज़्यादा तो पैसे पे उनकी उनकी कमांड थी पूरी दुनिया लिहाज से तो उन्होंने जिस जितना भी पैसा खर्च कर सकते थे करके सारे दुनिया के यहूदियों को खास तौर से जायन जहनीत रखने वालों को फलसतीन मूव करवाया और फिर वहाँ से वहाँ की तारीख हम लोगों को पता है कि क्या चल रहा है एक थोड़ा सा जिक्र कमाल आता है तुर्का तो कर लेते हैं जब उस्मानिया खिलाफत वर्ल्ड वॉर में हार गई तो बहुत से लोग जो तो यंग टर्क्स थे वो अंपायर के खिलाफ खड़े हो चुके थे तो मुस्तफ़ा कमाल अता जो तो था इसने जो, जो 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 यंग टर्क्स की ऑर्गेनाइजेशन थी उसको लीड कर रहा था उस वक्त ये और वो चाहता था, था कि एक एक एक, एक, एक इंडिपेंडेंट सेक्युलर स्टेट बनाए जो कि तमाम दूसरी दुनिया दुनिया के मुसलमान ममालिक से डिसकनेक्टेड हो क्योंकि यही

पावर में आते ही और जब तुर्की का ये प्रेसिडेंट बन गया फाइनली तो इसने किस तरह से इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश की र, रस्म द वे ऑफ राइटिंग उसमें फिर अरबी रसम में लिखते थे अब उसको इंग्लिश में कर दिया उसने या रोमन में कर दिया इसी तरह से अजाने बंद करवा दी मस्जिदों से मोजि को गिरा गिरा के यानी जो अजान देता था उनको कत्ल कर दिया जाता था बेसिकली यानी कि वो इस्लाम के नाम पे तो हुकूमत उसने ली लेकिन वो जितनी भी इस्लाम की चीजें थी उनको कंप्लीटली इरेडिकेट करना चाहता था और ब्रिटिश स्टाइल के ऊपर एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट

बहुत से तुर्क नेशनल विचटा में और पूरे अमेरिका में रह रहे हैं उनका एक पूरा जत्था है जो बाकायदा अता तुर्क को अपना मानते हैं सब कुछ जिस तरह हम कैद अज़म को मानते हैं वो अपना अता तुर्क को मानते हैं और इसी तरह से चीज़ों को हुआ फिर बहुत सी पॉलिसी चेंजेस हुए और उसमें फिर जो है जो उम्मत के ऊपर एक पूरा एक नया असर पड़ा तुर्की खिला, खिलाफ तुर्की का बिल्कुल अपोजिट एक्शन लेने से जो है पूरी दुनिया के ऊपर एक बहुत ही नेगेटिव इम्पेक्ट पड़ा मुसलमान कम्यूनिटीज में आ, और ऑटोमन पे ये स्लाइड्स भी आप लोग पढ़ लीजिएगा इन कि किस तरह से हम जो है प्रडिक नहीं कर सकते लेकिन अल्लाह की तरफ से ओस्मानी अखिलाफत के लिए उस वक्त तक मदद रही जब तक कि वो इस्लाम के सही चीज़ों पर चलते रहे बाद में कुछ लोग चेंज हो गए कुछ लोगों नेशी और बदमाशी शुरू कर दी जिसकी वजह से पोलिटिकल पोलिटिकली वो डाउन होना शुरू हुआ आखिर में अब्दुल हमीद के दौर में एक रिवाइवल हुआ लेकिन वह शायद टू लेट था तकरीबन थर्टी थ्री साल उसने हुकूमत की और फिर उसमें जो वाक़ हुए वो हमने थोड़े से जिक्र किए लास्ट लास्ट क्लास में और फिर जो है ये सारी चीज़ें जिस तरह से तो अगर आप इसको पूरे जस्मानिया खिलाफत को साढ़े छः सौ साल को स्टडी करें तो फिर आपको नज़र आएगा कि मुसलमानों का काूज क्यों हुआ और जवाल क्यों हुआ और फिर उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर थे ख़ास तौर से वर्ल्ड वॉर वन में समझें लास्ट नेल इन कॉफ़िन हुई जिसकी वजह से उसमान खिलाफत तो ख़त्म हो गई अच्छा आ, तो बहरहाल ये सब चीज़ें इन लोग ये स्लाइड जरूर पढ़ लीजिएगा वक्त की कमी के बास में स्लाइड्स को स्किप कर रहा हूँ लेकिन इन लोग सब पढ़ लीजिएगा और हम ये देखते हैं कि जो है कोई क्लियर पैथ जो है मुसलमानों का इसलिए नजर नहीं आता और एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि आज की दुनिया में मुसलमान पूरी दुनिया में इतने जलील और खौर क्यों हैं तो इसका जो अगर सिर्फ आज की क्लास को आप थोड़ा सा रिमाइंड करके देख लें तो हम लोग इसलिए दुनिया में जलील कि हम लोगों ने इस्लाम को कमस कम अज़ कम हज़ारों फ़िरक़ों में बांट के और अपने अपने फ़िरके पे इस कदर डट गए हैं कि हम दूसरे को काफिर और मश्रक कहते हैं दूसरे को कत्ल करने को तैयार हो जाते हैं हमारे अंदर जरा बराबर भी हौसला नहीं है कि हम दूसरे की बात को सुने हम सिर्फ अपनी बात सुनने के लिए टी चैनल लगाते हैं हम अपनी बात सुनने के लिए स्पेसिफिक आ, इंटरनेट के ऊपर वीडियोस देखते हैं क्योंकि हमारे अंदर हौसला ही नहीं रहा कि हम किसी दूसरे की बात सुने तो मेरा आज के क्लास के लिए यह पैगाम है मेरे लिए और आप सब के लिए कि प्लीज़ अपने दिल को बड़ा कीजिए दीन को दीन समझ के सीखिए कुरान से शुरू कीजिए हदीस तक पहुंचिए और उसके बाद बाकी तमाम चीजों को सेकेंडरी लीजिए सबसे पहले कुरान सबसे पहले अल्लाह की जात है है, हैजूर सल्ला वसलम की सुनत है हस्ती है उनकी और फिर जो अगर जो बाद में जितनी ये चीज़ें जमा की गई वो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने सही अहादीस की शक्ल में हमें दे दी अपने आप को हम सब वापस वहीं ले चलते हैं इन दीन के ऊपर अपने आप को रिवाइव करते हैं और बाकी जितनी आने वाली चीजें हैं उन सब को सेकेंडरी और थर्ड लेवल के ऊपर लेते हैं तो इन श्ला तब की हिफाज़त करे हूँ सही दीन पे सही इस्लाम पे चलने की तोफ़ी अतः फ़रमाए और इन शाह तम सबको इस्तेमाल करे कि हम अल्लाह के दीन को इस दुनिया में दोबारा सही तौर से जो अल्लाह की मंशा है उस लिहाज से नाफिस करने में हमारा पार्ट अल्लाह ताली हमें प्ले करने की तोफ़ी दे और हिम्मत दे और ताक़त दे और आखिरआल सुबह السلام عليكم ورحمه الله وبركاته